क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 डिटरमिनेंट आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पॉइंट्स दिस आर मे बी कोलिनियर। तो आपको पता है कि अगर पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो के इक्वल हो जाता है। मैं फिर से, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जीरो के इक्वल है। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में यहाँ पे वैल्यू कैसे रखते हैं, जो पॉइंट दे रखा है उसे आप लिखो, के 2-2k माइनस के प्लस 1 2k माइनस 4-k 6-2k और यहाँ पर 1 1 1। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, के 2-2k माइनस के प्लस 1 2k 1 माइनस 4-k 6-2k 1। ठीक है, अब आप एक्सपैंड कर दो, इस वाले रो से एक्सपैंड कर दो। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका ए 1 1 है। आप इन दोनों का सम करो, 1+1 2 हो जाएगा और 2 क्या है, इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंड करो, एक्सपेंड कैसे करते हैं, प्लस के तो के आ जाएगा सिंपली। अब के सामने वाला रो और के सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट 1 × 2k बीच में माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 6-2k × 1 6-2k। ठीक है, नेक्स्ट -2 2-2k फिर 2-2k के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -k+1 × 1 -k+1 बीच में माइनस -4-k × 1 ये हो जाएगा -4 ऑफ -k। ठीक है, फिर नेक्स्ट +1 1 लिखा, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, ठीक है, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -k+1 × 6-2k -k+1 × -6 6-2k बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 2k × -4 -k। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो, k × 2k ये हो जाएगा 2k² और फिर k को इसके साथ, ठीक है, हम आराम से करेंगे। ठीक है, अब इसको इसके साथ -2 2-2k × -k+1 और फिर इसको इसके साथ, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2-2k - 4-k। ठीक है, +1 इन दोनों का प्रोडक्ट करो, -k × 6 -6k - k × -2k +2k² फिर 1 × 6 6 फिर 1 × -2k तो यहाँ पे आ जाएगा -2k बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ये हो जाएगा -8k 2k × -4 -8k और ये हो जाएगा -2k². विच इज इक्वल टू 0। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, टू के स्क्वायर, आप इसको
माइनस के इंटू सिक्स, माइनस सिक्स के इसको इसके साथ, प्लस टू के स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस के, ये हो जाएगा प्लस टू के, फिर माइनस टू को वन के साथ, माइनस टू एस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इसको माइनस के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू के स्क्वायर, और फिर इसको इसके साथ, ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। आप देखो, आप ऐसा समझो कि इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, टू के माइनस टू बनेगा। अगर आप इस चीज़ को, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर रहे तो, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो यही बनेगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, टू इंटू माइनस के माइनस टू के, इसको इसके साथ, माइनस टू के इंटू माइनस फोर एट के, और माइनस टू के इंटू माइनस के प्लस टू के स्क्वायर, और इसको वन से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो, टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर, माइनस सिक्स के, एट के, और माइनस टू के, ये और ये पूरा का कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ सिक्स विच इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आप देखो, ये टू के स्क्वायर और ये वाला टू के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये टू के और ये माइनस टू के कैंसिल हो गया, टू के स्क्वायर, टू के स्क्वायर और फोर के स्क्वायर, टू टू फोर और फोर और फोर प्लस फोर एट के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, एट के, एट के, टू के, टेन के और माइनस सिक्स के, फोर के रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, माइनस टू माइनस एट माइनस टेन, माइनस टेन प्लस सिक्स, माइनस टेन प्लस सिक्स, माइनस टू माइनस एट माइनस टेन, ये हो जाएगा माइनस फोर विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप फोर कॉमन कर लो, तो हो जाएगा टू के स्क्वायर प्लस के माइनस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली हमारे पास बनेगा टू के स्क्वायर प्लस के माइनस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस टू के स्क्वायर, ठीक है, टू के स्क्वायर इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू के स्क्वायर हो जाएगा। अब आप के को ऐसा स्प्लिट करो कि उसका प्रोडक्ट ये बन जाए, तो आप क्या लिखोगे, टू के माइनस के, आप देखो टू के माइनस के हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टू के इंटू माइनस के, ये हो जाएगा माइनस टू के स्क्वायर। तो आप के जगह लिख दो टू के माइनस के माइनस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से टू के कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा के प्लस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन, के प्लस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से के प्लस वन कॉमन, पीछे रह जाएगा टू के माइनस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक माइनस वन और एक वन बाई टू। तो आप देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है, इफ द पॉइंट्स आर दिस आर कोलिनियर, फाइंड एक्स यूजिंग डिटरमिनेंट। हम अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें बताओ, बताओ आपकी एक्स क्या होने वाला है। तो अगर आपको पता है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। तो हमको बेसिकली क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो दे रखा है, ठीक है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटर डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर हम वैल्यूज रखते कैसे, तो अब जो पॉइंट्स उसको रखो पहले एक्स माइनस टू, 5, 2, 8, 8, और जो बचा है उसे वहाँ पर 1, 1 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से अब आप एक्सपेंड करो, ख़त्म हो जाएगा, तो अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 0 के साथ करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स 5, 8 माइनस 2, 2, 8 1, 1, 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इस वाले रो से एक्सपेंड करो, इस फर्स्ट वाले रो से, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका ए 1, 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाता है, इन दोनों का सम करो 2 हो जाता है, 2 हो जाएगा, तो ये इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड कैसे करते हैं, पहले ये वाला एलिमेंट लेते हैं जिससे प्लस लिखा ना, जिसमें हम प्लस माइनस लिखे वो वाला एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर एक्स प्लस एक्स, एक्स ले लिया। अब आप क्या करो, एक्स के सामने वाला रो और एक्स के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 1, 2, बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 8 × 1, 8, ठीक है। फिर माइनस कौन सा, माइनस 2, ठीक है। अब इसी तरह से आप करो, माइनस 2 के सामने वाला रो और माइनस 2 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 5, 5, बीच में माइनस, 8 × 1, 8, ठीक है। फिर प्लस 1, प्लस 1, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 8 × 5, 40, बीच में माइनस, 8 × 2, 16, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया एक्स 2 − 8 − 6 −-2, 5 − 8 − 3, और ये हो जाएगा 40 − 16, 40 में से 16 गया 24, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया −6x, −6 का x के साथ करो −6x, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 2, 6, तो यहाँ पे −6 + 24 विच इज इक्वल टू 0, −6, 24 − 6, 18 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, −6x, इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा −18, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 6 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। हम देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, फाइंड एक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखो कोलिनियर का मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 0 के इक्वल दे रखा है, मतलब अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उन पॉइंट से जो ट्रायंगल का एरिया आप निकालोगे ना वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, तो वही यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला भी है कि फाइंड एक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट, मतलब आपने जो अभी डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा ना ट्रायंगल का, वो यूज करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, बेसिकली आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 × डिटर्मिनेंट, किस चीज का डिटर्मिनेंट, तो जो पॉइंट्स है उसे आप ऐसा लिखो 3 − 2, नेक्स्ट पॉइंट है x 2, फिर है 8, 8, और फिर यहाँ पे 1, 1, 1, और एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करो, 3x 8 − 2, 2, 8,
1, 1, 1, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो इस वाले रो से एक्सपेंड करो, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है a11, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 क्या इवन है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख लिया। अब फिर एक्सपेंड करो, कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये वाला लिखते हैं यहाँ पर +3, तो हमने सिर्फ 3 लिखा है, ठीक है। 3 के सामने वाला रो और 3 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, 8 × 1 8, ठीक है। फिर -2, ठीक है, -2 के सामने वाला रो और -2 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो x × 1 x, बीच में माइनस, 8 × 1 8, ठीक है। फिर +1, ठीक है, +1 लिखा, उसके बाद उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दिया, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो x × 8 8x, बीच में माइनस, और 8 × 2 16, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। (3) × 2 - 8 - 6, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 × x - 8, और 1 को इसके साथ करोगे 8x - 16, विच इज इक्वल टू 0। तो 3 × -6 - 18, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x - 16 + 8x - 16, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 8x + 2x 10x - 16 - 16, ये हो जाएगा -32, और -32 - 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -50, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 10x = 50, तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो x हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कौन सी लाइन की इक्वेशन जो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनाए, 1, 2, 3, 6, इन दोनों को ज्वाइन किया, और ये जो लाइन बना, हमको इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। तो हम कैसे निकालेंगे, लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by = c, यही लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, ये लाइन है ना, इस ये तो कहीं पे भी जा सकता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक, आप इस पॉइंट को ए बोलो, इसको बी बोलो, और यहाँ पर हम सी एक आर्बिटरी कोई सा भी पॉइंट ले ले रहे हैं x, y। अब आप बोलोगे ये हमने ऐसा क्यों करा कि हमने कोई आर्बिटरी पॉइंट ले लिया। अब देखो मैंने इस इक्वेशन को इसीलिए तो लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन का आर्बिटरी इक्वेशन क्या होता है, ax + by = c के फॉर्म में होता है, x और y जहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, तो हमें x और y तो चाहिए ना, इसलिए हमने एक पॉइंट ले लिया x, y इसी लाइन में। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम एक्सटेंड करके लें। आप बोलोगे इस दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करके ना लाइन बनाना था, तो ये थोड़े बोला कि यहाँ पर रुक गया है, ऐसा समझ के हम ये पॉइंट ले लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे भी ले सकते थे cx, ठीक है। क्यों लिया, क्लियर हो गया, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है लाइन का, तो लाइन के इक्वेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी होते हैं ना, एक्स और वाई जो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस ये पॉइंट ले लिया आर्बिट्रेरी। अब आप देखो ये तीनों पॉइंट जो है ना वो एक ही लाइन में है, मतलब इसी लाइन पे है, एक ही लाइन पे है मतलब। तो अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन में हो तो वो क्या, वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। यहाँ पे यही लिखते हैं कि लेट a 1, 2 एंड b
3.6 and point C x comma y are collinear. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करे, तो हमने ज्वाइन करा दिया है इन दोनों पॉइंट को, एक लाइन से ज्वाइन करा दिया, ऐसा जो क्वेश्चन में बोला था. अब हम जो ज्वाइन कराया ना, इसी लाइन का हमको इक्वेशन निकालना था, ये क्वेश्चन अभी तक बोल रहा था. ठीक है, तो अभी तक हमने अपने से कुछ भी नहीं करा. अब हमने क्या देखा कि जो इक्वेशन होता है लाइन का वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होता है, जहाँ पर ए तो कोई भी कांस्टेंट होता है, बी भी कांस्टेंट होता है, सी भी कांस्टेंट होता है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है. लेकिन आप देखो, एक्स और वाई जो होता है यहाँ पर वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब आर्बिटरी होता है, वेरिएबल बोल लो या फिर आर्बिटरी बोल दो, मतलब हमको कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए होगा जो आर्बिटरी हो, तो इसलिए हमने एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स और वाई था इसलिए ले लिया. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ए भी, ऐसा नहीं है जरूरी कि यहाँ पे. ठीक है, तो लेकिन हमने एक्स कॉमा वाई एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया. अब हमने देखा कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, और ये पॉइंट हमको ने कुछ इस तरह से लिया है कि ये वाला पॉइंट इसी के लाइन में है, तो हमने देखा कि ये ए बी और सी एक ही लाइन में है, और अगर तीन पॉइंट मतलब अगर वो सब एक ही लाइन में, मतलब वो सब कोलिनियर होंगे, तो हमने वहीं यही लिखा है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर. आपको पता है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो इन इससे जो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे ना वो जीरो के इक्वल आएगा. ठीक है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2, जो कि जीरो के इक्वल आएगा. और यहाँ पे बीच में हम क्या लिखते हैं, पॉइंट है 1, 2, फिर 3, 6 और फिर एक्स वाई, और यहाँ पर 1, 1, फिर एक्सपैंड कर दो. एक्सपैंड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, मतलब इस दो पॉइंट को जो ज्वाइन करने का जो लाइन बनेगा वो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो हम इस वाले रो से एक्सपेंड करेंगे. ये वाला एलिमेंट कौन सा है, a 1 1 है. आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 क्या इवन है, तो आप यहाँ पे प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस. ठीक है, और इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है ना, अब आप एक्सपेंड करो तो +1. ठीक है, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालना है. 6 × 1 6, बीच में माइनस, फिर y × 1 y. ठीक है, -2, 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट 1 × 3 3, बीच में माइनस, x × 1 x, +1, 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, और फिर इन दोनों का 3 × y 3 y, बीच में माइनस, x × 6 6 x. ठीक है, अब आप सॉल्व करो. ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 6 − y. इसको आप मल्टीप्लाई करो, -2 × 3 − 6 − 2 − x +2 x, और ये हो जाएगा 3 y − 6 x, विच इज इक्वल टू 0. −6 x 2 x +2 x, ये हो जाएगा −4 x 3 y − y +2 y. ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से -2 कॉमन, x − 2 x − y विच इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2 x − y इक्वल टू 0. आप देखो, हमें जो इक्वेशन निकाले तो आ गया. ये जो दो पॉइंट को जो, मतलब इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करके जो हमने लाइन बनाया है, उस लाइन का जो इक्वेशन है ये होगा. ठीक है, अब देखो इसी फॉर्म में है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 0 है, उससे हमें क्या. ठीक है, तो अब देखो एक बार.
इसी का सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर आप इन दोनों पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हमारे पास 3,1, 9,3, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो, और जो ज्वाइन करने बाद जो ये लाइन, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बने ना, उस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है, यही बोलता है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्या बोल रहा है, कि हमें ये क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने पे जो लाइन बने, उसी लाइन का इक्वेशन हमें निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन, तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम अगर हमें पता और हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, वो इस फॉर्म का होता है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पर ए और बी और सी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और ए एक्स एक्स और वाई जो होता है वो आर्बिट्री होता है, या हम वेरिएबल बोलते हैं, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आर्बिट्री मतलब कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो हमें आर्बिट्री पॉइंट लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें एक्स और वाई चाहिए ना, तो हमने यहाँ पर कोई सा भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ये ए पॉइंट था, ये बी था, इसे हमने सी बोल दिया, ठीक है। हमने क्यों लिया आर्बिट्री पॉइंट, क्योंकि हमें इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आर्बिट्री चाहिए था एक्स और वाई, इसलिए हमने ले लिया, ठीक है। और फिर आप देखो ध्यान से, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये एक ही लाइन में है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में, मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में हो ना, तो वो पॉइंट जो होता है वो कोलिनियर हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो लेट सी एक्स कॉमा वाई ए 3,1 एंड बी 9,3 आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो उन पॉइंट्स की मदद से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता है, तो हम इसी की मदद से इक्वेशन निकालेंगे। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डिटर्मिनाट, डिटर्मिनाट में जो पॉइंट्स है उसे लिखो आप, एक्स वाई 3,1, 9,3 और यहाँ पर 1,1,1 विच इज इक्वल टू 0। 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई 1,3,1,1, 9,3,1 विच इज इक्वल टू 0। अब आप एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करने के बाद जो रिलेशन आएगा वही इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है a11, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1, 2 हो जाएगा, 2 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस x, तो हम यहाँ पे सिर्फ x लिखते हैं, x, x के सामने वाला रो और x के सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 1 × 1, 1, बीच में माइनस, 3 × 1, 3, फिर माइनस y, इस y के सामने वाला रो और y के सामने वाला कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 1 × 3, 3, बीच में माइनस, 9 × 1, 9, ठीक है, फिर प्लस 1, वन के सामने वाला रो और वन के सामने वाला कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 3 × 3, 9, बीच में माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 9 × 1, 9 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 - 9 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2x, 1 - 3 - 2, तो ये -2x, और 3 - 9 ये हो जाएगा -6 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया -2x, ये माइनस और ये माइनस, प्लस प्लस 6y विच इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6y = 2x, यहाँ पे हो गया 3, तो 3y - x =
विच इज इक्वल टू जीरो। आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स माइनस थ्री वाई विच इज इक्वल टू जीरो, और ऐसा भी एक्स इक्वल टू थ्री वाई। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स हुज वर्टिसेस आर, और जिसके वर्टिसेस ये। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी मदद से के की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट इसके अंदर कैसे रखते हैं वैल्यू, जो पहले जो पॉइंट्स उसे लिखो के 0 4 0 0 2, वर्टिकली लिखो, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 1 1, फिर एक्सपेंड कर दो, इस वाले रो से एक्सपेंड करो। ये कौन सा एलिमेंट होता है, a11, इन दोनों का सम 1 + 1 2, 2 क्या इवन, तो यहाँ पे प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस k, तो यहाँ पे k। ठीक है, k के सामने वाला रो और k के सामने वाला कॉलम हटा दो, 0 × 1 0, बीच में माइनस, 2 × 1 2। ठीक है, फिर माइनस 0 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 4 फिर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 4 × 1 4, बीच में माइनस, 0 × 1 0 प्लस 1 लिया, इस 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को हटा दो, हटा दिया, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 4 × 2 8, बीच में माइनस, 0 × 0 0 खत्म। ये हो जाएगा k − 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और 8 × 1 8 हो जाएगा, ये और ये कैंसर, −2k = 0, तो यहाँ से k = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार, यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट भूल गया। अब देखो यहाँ पर हमने डायरेक्टली यहाँ से आओ पाओ वापस, k − 2 + 8 विच इज इक्वल टू 8। हम ना यहाँ पर मॉड लगाएंगे, यहाँ पर भी मॉड लगा लो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव आएगा, अगर हम इस अंदर वाले को सॉल्व करके अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो हम मॉड लगाते ना, हम मॉड लगाते, तो हमें थोड़ी पता है कि क्या के क्या होने वाला है, इसलिए हमने ऑलरेडी मॉड लगा के चलेंगे। जब भी हम के की वैल्यू निकालेंगे, ये मैं बताना भूल गया था, मुझे शुरू में बता देना चाहिए था कि अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमें तो ये नहीं ना पता कि के क्या है, हम तो अभी निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम मॉड शुरू से लगा के चलेंगे, क्योंकि अगर हम मॉड लगा के चलेंगे तो अंदर वाला वैल्यू जो नेगेटिव भी आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा −2k + 8 विच इज इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए हो तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तभी लिखते हैं जब ए यहाँ पर रियल नंबर हो, जब ए यहाँ पर रियल नंबर, तो ए रियल नंबर है ना, तो ये हो गया −2k + 8 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो एक आप प्लस वाला सॉल्व करो और एक माइनस वाला सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, के यहाँ से 0 आ जाएगा, और इसको उधर −2k = −8 − 8 − 16, ये माइनस कैंसिल, ये 2 से 16 कैंसिल, तो 8 तो हमें जाएगा 8, के की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 के इक्वल दे रखा है, ठीक है, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट
किसका जो पॉइंट्स है उसका, -200, 0, 0, 4, 0 के, और यहाँ पर 1, 1, 1, ठीक है। अब आप इस 2 को उधर भेज दो, 8 हो जाएगा। एक्सपैंड करो यहाँ इस वाले रो से, ये वाला कौन सा एलिमेंट है, a11, इन दोनों का सम 1 + 1, 2 हो जाएगा। और हम मॉड लगा ले रहे हैं क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने मॉड लगा लिया, ठीक है। अब आप ये 1 + 1, 2 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इवन है इवन है तो प्लस आएगा, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर -2, क्योंकि प्लस लगाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, -2 ही रह जाएगा। -2 के सामने वाला रो और -2 के सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 4 × 1, 4, बीच में माइनस, k × 1, k, ठीक है। फिर -0, 0 के सामने वाला रो और 0 के सामने वाला कॉलम हटा दो, 1 × 0, 0, 0 × 1, 0। फिर +1 × 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो, k × 0, 0, 0 × 4, 0। तो ये भी 0। और ये भी 0, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 × 0, 0, और 0 - 0, तो k × 0, 0। तो ये हो जाएगा माइनस, आप मल्टीप्लाई करो, -8 + 2k विच इज़ इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2k = 8 विच इज़ इक्वल टू 8। अब आप देखो, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a हो और a अगर कोई रियल नंबर हो, तब हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो अब देखो, ये 2k - 8 विच इज़ इक्वल टू +-8, ठीक है। तो आप एक बार प्लस वाला सॉल्व करो, 2k - 8 इक्वल टू 8, और दूसरी बार माइनस वाला सॉल्व करो, ठीक है। इस 8 को उधर शिफ्ट करो तो हो जाएगा 2k 8 + 8 2k विच इज़ इक्वल टू 16, कैंसिल करो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू एक आएगी 8, और ये कैंसिल, दूसरी k की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो k की दो वैल्यूज आएगी, एक 0 और दूसरा 8, ठीक है। यहाँ पे भी k की वैल्यू दो वैल्यूज आएगी, एक 0, देखिए हमें मॉड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप अभी अगर नहीं समझ, तो आप ऐसा समझो कि अगर हम मान लेते कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर k नहीं होता, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पर k नहीं है, अगर हमने सॉल्व किया उसका -16 आ गया, तो -16 क्या एरिया हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हमें मोड लगाना होगा, मोड लगाना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल था, हमें नहीं पता कि के कैसी वैल्यू है, हो सकता था कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका अंदर वाला वैल्यू -8 के इक्वल हो जाए, हो सकता था ना। तो हम क्या करते, अगर हम -8 का मोड कर देते तो 8 आ जाता, तो भी तो 8 आता एरिया। अगर ये क्वांटिटी पूरा -8 के इक्वल रहता तब भी तो 8 आता, इसलिए हम मोड लगा के चलते। हम क्या करते हैं कि मोड लगा लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर वाला वैल्यू शायद नेगेटिव आ जाए, ठीक है। देखो एक बार,